Welcome dear students, in basic electrical engineering course, we are going to discuss parallel RLC circuit. After completing this module, you will be able to describe the condition of resonance in parallel RLC circuit, that is called parallel resonance. You will be able to explain the properties of resonance in parallel RLC circuits. And you will be able to describe the variation of resistance, impedance, capacitive and inductive susceptance with respect to the frequency. इस particular topic का examination point of view से बहुत ही ज़्यादा importance है, क्योंकि exam में generally जो questions पूछे जाते हैं, वो series resonance के comparison में parallel resonance से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको parallel resonance पे बहुत ही ज़्यादा focus करना है। जैसा कि मैंने बताया कि पैरेलल आरएलसी सर्किट ट्यून्ड सर्किट में यूज होते हैं, मींस वहां पर इंडक्टर एंड कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट जिस सर्किट में मिलेंगे आप समझ जाइए कि वो ट्यून्ड सर्किट है, ठीक है। तो पैरेलल रेजोनेटिंग सर्किट्स का इंपॉर्टेंस इसलिए और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि जो इनके एप्लीकेशन हैं वो कम्युनिकेशन सिस्टम में, जहां पर ट्यून्ड सर्किट है, जहां पर ट्यून्ड एम्पलीफायर यूज हो रहे हैं, जहां पर ऑसिलेटिंग सर्किट्स यूज हो रहे हैं, वहां पर ये सर्किट्स आपको मेजॉरिटी में मिलेंगे। पैरेलल आरएलसी सर्किट में ही आपको कोई भी ब्रांच एक सीरीज आरएलसी सर्किट की मिल जाएगी, सीरीज आरएल मिल जाएगा, सीरीज एलसी मिल जाएगा। तो आप यू कह सकते हैं कि पैरेलल आरएलसी सर्किट में दोनों का इनकॉर्पोरेशन है, सीरीज एंड पैरेलल बोथ। एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन एप्लीकेशन हमने बताए थे वो एप्लीकेशन यहां पर भी एप्लीकेबल है, ट्यून्ड सर्किट्स, ऑसिलेटरी सर्किट्स और एम्पलीफायर्स। एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट को आप इससे लिंक कर सकते हैं, वहां पर जब आप क्लास ए क्लास सी एम्पलीफायर पढ़ेंगे तो क्लास सी एम्पलीफायर में और क्लास डी एम्पलीफायर में ट्यून्ड सर्किट का इस्तेमाल वहां पर होता है, इसलिए आप इसको एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट से भी रिलेट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रेजोनेंस इन पैरेलल आरएलसी सर्किट। तो जैसे हमने सीरीज रेजोनेंस इन सीरीज आरएलसी सर्किट डिस्कस किया था, वैसे ही यहाँ पर पैरेलल रेजोनेंस। पैरेलल इसलिए लगा दिया क्योंकि हम पैरेलल आरएलसी सर्किट में इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सीरीज आरएलसी सर्किट में हमने सीरीज कहा था, रेजोनेंस कहा था, क्योंकि वो सीरीज सर्किट था, ठीक है, और कोई इसका मतलब नहीं है। आगे जो हम कुछ टर्म्स यूज करेंगे और कुछ यहाँ पर रिलेशंस यूज करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पैरेलल आरएलसी सर्किट पे बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में। एक क्वेश्चन तो आपको इस पे मिलेगा ट्यून सर्किट में, चाहे वो ट्यून सर्किट ऑप एम्प से कनेक्टेड हो, या वो ट्यून सर्किट बीजेटी से कनेक्टेड हो, या फिर वो ट्यून सर्किट किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड हो, तो क्वेश्चन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले हम एक पैरेलल आरएलसी सर्किट ड्रॉ करेंगे। अब जैसे ही हम पैरेलल आरएलसी सर्किट की बात करते हैं तो आपको आपके माइंड में आता है कि आर होगा, फिर एल होगा, फिर सी होगा, पैरेलल में कनेक्ट होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आर सेपरेटरी ब्रांच एक पैरेलल में कनेक्ट ना हो, आर एल के सीरीज में हो। ऐसा क्यों? मैंने आपको बताया कि इंडक्टर क्वाइल्स जो होती हैं वो मेड अप ऑफ कॉपर, एल्युमिनियम या किसी भी कंडक्टिव मटेरियल की बनी होती हैं। तो ये जितने भी कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं ये प्योर कंडक्टर नहीं होते, इसमें कुछ ना कुछ इनका रेजिस्टिव पार्ट भी होता है, और वो रेजिस्टिव पार्ट क्या करता है, इसमें पावर लॉस जनरेट करता है, ठीक है। तो यानी कि उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है उस कंडक्टर का, वो इंटरनल रेजिस्टेंस इस पिक्चर में आएगा। अगर वो प्योर कंडक्टर है तो इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो। तो सबसे पहले मैं सर्किट ड्रॉ करता हूँ, और जैसे सीरीज रेजोनेंस में हमने देखा था सर्किट ड्रॉ करने के बाद उसका फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था, तो यहां पर भी फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उस फेजर डायग्राम की हेल्प से कुछ हम कंक्लूजन फाइंड आउट करेंगे और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमने एक इसकी एल्गोरिथम है, मीन्स इसको जो जिस प्रोसेस में हमें सॉल्व करना है वो हमने आपको एक्सप्लेन किया। एल्गोरिथम क्या रिप्रेजेंट करती है? एल्गोरिथम स्टेप्स को रिप्रेजेंट करती कि किस स्टेप्स में हमें इस अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करना है, वैसे ही हमें किस कौन कौन से स्टेप्स यूज करने हैं अपने फाइनल जो आउटकम निकालना है यहां पर पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में, वो हमने स्टेप्स आपको बताए।
यहां पर देखिए हमने एक पैरेलल आरएलसी सर्किट ड्रॉ किया है। अब आप कहेंगे पैरेलल आरएलसी सर्किट है तो आर क्यों पैरेलल में नहीं है, तो यहां पर आर एल के पैरेलल में है, आर एल के सीरीज में है, बट ये आर आप देखेंगे तो सी के पैरेलल में भी आ रहा है। तो पैरेलल आरएलसी सर्किट का मतलब यहां पर ये नहीं आप मानिए कि सब कुछ पैरेलल में हो, आर एल सी तीनों एक दूसरे के पैरेलल में हो भी सकते हैं या फिर कोई भी दो एलिमेंट एक दूसरे के पैरेलल में हो सकते हैं, बट मैंडेटरी थिंग यहां पर ये है आप हमेशा देखेंगे पैरेलल आरएलसी सर्किट में एल और सी पैरेलल में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, आर तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो सकता है कॉयल का, जैसा कि मैंने यहां पर शो किया है। इस कॉयल में आप देखिए ये कॉयल डॉटेड लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया है, इसके इनसाइड आर भी है और एल भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इंडक्टर जिस मटेरियल का बना है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आर है। ठीक है, अब ये जो मेन करंट आई फ्लो कर रही है, वी वोल्टेज सोर्स जो हमने एसी वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है फ्रीक्वेंसी एफ हर्ट्ज का, ये आई करंट एट नोड ए, दिस इज नोड ए एंड दिस इज नोड बी, तो एट नोड ए दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक तो कॉयल करंट आई एल और एक कैपेसिटिव करंट आई सी। अब आई एल करंट किस में फ्लो कर रही है, रजिस्टर में भी फ्लो कर रही है और इस इंडक्टर में भी फ्लो कर रही है। ठीक है, तो जब रजिस्टर में जो करंट फ्लो करती है वो उसके अलोंग ही फ्लो करती है जो उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो रजिस्टर में अगर वोल्टेज ड्रॉप वी आर हो रहा है तो आई एल वी आर के अलोंग ही फ्लो करेगी, क्योंकि रजिस्टर कोई भी फेज डिफरेंस प्रोवाइड नहीं करता है। तो आप देखिए इसका फेजर डायग्राम, दिस इज वी। अब हमने वी क्यों लिखा, यहां पे पैरेलल सर्किट में जो अप्लाइड वोल्टेज होता है वो हर एक ब्रांच के क्रॉस सेम होता है, तो जो कॉयल के क्रॉस यहां पर वोल्टेज ड्रॉप होगा वही कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, वही हमारा अप्लाइड वोल्टेज है। तो आप कह सकते हैं कि V इक्वल्स टू VC इक्वल्स टू VL, राइट। अभी इस V के अलोंग में करंट कौन सी फ्लो करेगी, IL करंट फ्लो करेगी, क्यों, क्योंकि उसमें एक रजिस्टर कनेक्टेड है। तो अब वो रजिस्टर कनेक्टेड, लेकिन रजिस्टर के सीरीज में क्या है, कॉयल है, और जो कॉयल में करंट फ्लो करती है उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो उसके उससे 90 डिग्री लीड करता है, तो यानी कि जो VL होगा वो IL से 90 डिग्री लीड करेगा, इसका मतलब है V से 90 डिग्री लीड करेगा, लेकिन 90 डिग्री तब लीड करता जब उसमें रेजिस्टेंस जीरो होता, लेकिन यहां सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R, तो 90 डिग्री वो फेज डिफरेंस ना हो करके कुछ फेज डिफरेंस कम हो सकता है, तो सपोज दैट फेज डिफरेंस इज phi, राइट। तो V के अलोंग IL नहीं होगी, ये कुछ आई एल किसी दूसरे फेज डिफरेंस पे होगी, और वी चूंकि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कॉयल है तो करंट इससे क्या होगी, लैग करेगी, और लैग करेगी बाई 5 डिग्री। सपोज दिस इज आई एल एंड दिस इज लैगिंग बाई 5 डिग्री, तो ये जब लैग करेगा तो इसके जो इसके कंपोनेंट्स होंगे, दो कंपोनेंट्स होंगे, एक के कंपोनेंट आएगा आई एल कॉस 5 और इसका दूसरा कंपोनेंट होगा आई एल साइन फाइव। मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं क्योंकि दिस विल बी वी एल, दिस विल बी वी सी। तो वी एल से हमेशा जो इंडक्टर इंडक्टर में करंट होती है वो लैग करती है बाई 90 डिग्री इफ उस इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है इंटरनल वो जीरो हो। तो देखिए यहां पे जो आई एल करंट है इंडक्टर के थ्रू ये इस वी एल से लैग कर रही है बाई 5 डिग्री। आप कहेंगे 90 डिग्री क्यों लीड नहीं कर रही है, क्योंकि यहां पर इस इंडक्टर या इस कॉयल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, अगर ये जीरो होता तो 90 डिग्री लीड लैग करती। अब इस आई एल के दो कंपोनेंट हो गए, आई एल कॉस 5 अलोंग दिस एंड आई एल साइन 5 अलोंग दिस। नाउ कमिंग टू द कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, जो ये सप्लाइड वोल्टेज है वी, वी इक्वल्स टू वी सी,
और कैपेसिटर में जो करंट फ्लो कर रही है आईसी, ये क्या होती, कैपेसिटर तो प्योर है, यहां पर कोई भी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए आप कह सकते हैं कि जो कैपेसिटर की करंट है वो कैपेसिटर वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करेगी। ठीक है, तो यहां पर 90 डिग्री लीड करेगी, ये कैपेसिटर वोल्टेज की लाइन हो गई, फेज हो गया, तो यहां पर आईसी क्या हो गया, 90 डिग्री लीड करेगा। इसलिए यहां पे आप कह सकते हैं कि दिस इज आईसी। ठीक है, ये लीड कर रही है बाय 90 डिग्री। तो ये हो गया फेजर डायग्राम जो कि हमने इस सर्किट की हेल्प से आपको एक्सप्लेन किया। तो मैं यहां पर इन टर्म्स को मेंशन कर देता हूं जिससे कि आप भूले ना। P इक्वल्स टू सप्लाई वोल्टेज, वॉट इज ZL? ZL इज द इम्पीडेंस ऑफ क्वायल। क्यों? क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो क्वायल का इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, R प्लस J ओमेगा L। ठीक है, एंड XC इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो आपको सबको पता है। नाउ हियर IC इक्वल्स टू V अपॉन XC, क्योंकि V इज द अप्लाइड वोल्टेज, वो तो सभी के क्रॉस वही है। और वॉट इज XC? XC इज 1/ωC, तो वो भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, एंड IL इक्वल्स टू V अपॉन ZL, और ZL की वैल्यू क्या है, R प्लस जे ओमेगा L, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, V अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा एल। ठीक है, और फेजर डायग्राम से आप कह सकते हैं कि कॉस फाई इज आर बाई जेड, कॉस फाई इज आर बाई जेड। आर किसके क्रॉस अलोंग रहेगा, वी वोल्टेज के अलोंग, वी इक्वल्स टू आई एल इंटू आर। ठीक है, तो वो वी आर हो जाएगा, इसी के क्रॉस आएगा। और Z नेट इम्पीडेंस जो आ रहा है वो किसके अक्रॉस आ रहा है, किसके लॉन्ग आ रहा है, आई एल फेज की तरफ आ रहा है, तो cos phi इक्वल्स टू R बाई जेड। ये तीनों पैरामीटर्स आपको पता है। ठीक है, हर एक करंट को हमने मेंशन कर दिया और पावर फैक्टर जो इसमें है उसको हमने मेंशन कर दिया, राइट। Z इज द नेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। अब आप देखिए रेजोनेंस में होता क्या है, जैसे सीरीज रेजोनेंस में हमने बताया कि जो भी इमेजिनरी कंपोनेंट होता है दैट इक्वल्स टू जीरो। वहां पर क्या था, आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी, तो जे एक्सएल माइनस एक्सी, जे मीन्स जो इमेजिनरी कंपोनेंट है दैट इज एक्सएल माइनस एक्सी, वो जीरो होगा, तो एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी, ये कंडीशन आई थी। यहां पर भी क्या है, इमेजिनरी कंपोनेंट्स कौन से हैं, देखिए आई एल करंट का जो इमेजिनरी कंपोनेंट है वो आई एल साइन फाई है, और कैपेसिटिव करंट एक अपने आप में एक ही करंट है यहाँ पे आईसी, तो ये जो आईसी और आईएल साइन फाई है एक दूसरे को ये कैंसिल करेंगे तभी रेजोनेंस कंडीशन अचीव होगी। तो आप कह सकते हैं कि फॉर रेजोनेंस आईसी इक्वल्स टू आईएल साइन फाई। और अभी हमने यहां पर हमने आईसी को डिफाइन किया, आईएल को डिफाइन किया है, तो ये आईसी और आईएल की वैल्यूज इस क्वेश्चन में आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, कॉस फाई इक्वल्स टू आर अपॉन जेड, वैसे आप साइन फाई की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आईसी इज वी अपॉन एक्ससी, तो यहां से हमने फाइंड आउट कर लिया साइन फाई इक्वल्स टू जेड एल अपॉन एक्ससी, बट हमें सॉल्व क्या करना है अल्टीमेटली, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर आप फेजर डायग्राम से देखिए, इस इक्वेशन से तो हमने फाइंड कर लिया कि साइन फाई इक्वल्स टू जेड एल अपॉन एक्ससी, बट एक्चुअल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन फाई फ्रॉम द फेजर डायग्राम, साइन फाई इज एक्सएल अपॉन
ZL फ्रॉम द फेजर डायग्राम, और आप बताइए क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हम कह रहे हैं। साइन फाई इक्वल्स टू एक्सएल अपॉन जेड एल। आप फेजर डायग्राम से देखिए साइन फाई क्या आएगा, साइन फाई इज जो हाइट है, हाइट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये जो आई एल साइन फाई जिस डायरेक्शन में जा रहा है वहां पर आप देखेंगे कि उसका क्या आएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस आएगा, और जो येलो लाइन है आई एल के अलॉन्ग जो फेजर है वो टोटल उसके इम्पिडेंस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि R और L एक ब्रांच में कनेक्टेड है कॉइल के टोटल इम्पीडेंस को। तो साइन फाई इक्वल्स टू एक्सएल अपॉन जेड एल। तो ये दो रिलेशन है, इन दोनों रिलेशन को आप इक्वेट कीजिए, और जैसे ही आप इक्वेट करेंगे जेड एल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्सएल अपॉन एक्ससी। व्हाट इज एक्सएल, एक्सएल इज ओमेगा एल इंटू एक्ससी इज वन अपॉन ओमेगा सी। अब यहां पर जो हम ओमेगा लिख रहे हैं ये किस कंडीशन पे हम इक्वेशंस फाइंड आउट कर रहे हैं, कंडीशन हमने सेलेक्ट की आई सी इक्वल्स टू आई एल साइन फाइव, दैट इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस, क्योंकि हम इमेजिनरी कंपोनेंट को कैंसिल कर रहे हैं। तो ये जो ओमेगा होगा, दिस ओमेगा विल बी ओमेगा नॉट। अब यहां से ओमेगा नॉट कैंसिल आउट, तो जेड एल इक्वल्स टू एल बाई सी स्क्वायर रूट। ये के इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्लियर नहीं है। अब देखिए जेड एल इक्वल्स टू रूट एल अपॉन सी, जब हम ट्रांसमिशन लाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में स्टडी करेंगे तो वहां देखेंगे कि एक करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस आता है पिक्चर में। करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या होता है, जेड नॉट से वहां रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है रूट एल बाई सी। ठीक है, तो इसको आप वहां से भी रिलेट कर सकते हैं अभी के अभी, लेकिन अभी आपने क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पढ़ी नहीं है इसलिए नहीं समझ में आएगा। तो जेड एल इक्वल्स टू रूट एल बाई सी, एंड व्हाट इज जेड एल, अभी हमने बताया था जेड एल इज रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट एल बाई सी, कैंसिल आउट, एंड दिस ओमेगा इज ओमेगा नॉट। अब यहां से आप देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन एल सी, एल स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो दिस ओमेगा नॉट इक्वल्स टू रूट ऑफ वन अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। दिस इज रेजोनेटिंग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड, और वी कैन से एफ नॉट इक्वल्स टू वन अपॉन टू पाई वन अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन इन हर्ट्ज। इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, L कॉमन ले लीजिए या L स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो 1 अपॉन L, और ये आ जाएगा L अपॉन C माइनस R स्क्वायर। तो ये के फॉर्म भी आप देख सकते हैं, तो कहीं कहीं आपको ये फॉर्म मिलेगा, कहीं कहीं जो हमने पहले लिखा है वो मिलेगा। तो दिस इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। अब देखते हैं हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, क्या कंसीडर किया था इस डायग्राम में, कि इंडक्टर का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। सपोज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर आर इज जीरो, मीन्स उसको हम नेग्लेक्ट कर दें, तो अगर वो जीरो हो जाएगा तो यहां से एफ नॉट क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू पाई रूट LC, एंड दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन सीरीज RLC सर्किट। ठीक है, तो हमने उसको मैच कर लिया कि ये
रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सीरीज आरएलसी सर्किट की हम अचीव कर सकते हैं बाय एलिमिनेटिंग और बाय नेगलेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। ये तो हो गया इमेजिनरी कंपोनेंट फेजर डायग्राम में जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब आप देखिए कि एक इसका अनदर कंपोनेंट जो आईएल करंट का कंपोनेंट है, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, दैट इज आईएल कॉस फाई। अब अगर उस कंपोनेंट को हम कंसीडर करते हैं तो देखिए कौन से नए टर्म्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, नए कंसेप्ट इसमें उभर के आते हैं सामने। तो यहां पर जैसा मैंने बताया कि फेजर डायग्राम में हमने रिएक्टिव कंपोनेंट्स करंट के जो है उनको कैंसिल कर दिया रेजोनेंस कंडीशन में, तो रिमेनिंग पार्ट क्या है, आईएल कॉस फाई, इसको हम एज्यूम कर रहे हैं आई। तो दिस आई इज आईएल कॉस फाई, दिस इज ओनली द एक्टिव कंपोनेंट ऑफ द करंट। तो आईएल इज वी अपॉन जेडएल एंड कॉस फाई इज आर बाय जेडएल, ठीक है, और आई जो होगा वी अपॉन नेट जेड। तो यहां से वी तो कैंसिल हो जाएगा, तो वन अपॉन जेड इक्वल्स टू आर अपॉन जेड एल स्क्वायर, और जेड इक्वल्स टू जेड एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। अब आप देखिए अभी आपने जेडएल स्क्वायर क्या सॉल्व किया था, यहां से जेडएल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट, ये मेन इक्वेशन हो गई, जेडएल स्क्वायर इक्वल्स टू एल बाई सी, तो उसको आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एल बाई सी डिवाइडेड बाई आर। तो आप इसको लिख सकते हैं एल अपॉन सी आर। तो दिस इज द नेट इम्पीडेंस विच इज ड्यू टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिमेनिंग कंपोनेंट ऑफ द करंट, दैट इज आई एल कॉस फाई एल अपॉन सी आर, और ये दिस इज द नेट इम्पीडेंस। नाउ करंट विल बी आई इक्वल्स टू वी अपॉन जेड, v upon z is v upon l by c r, and this l by c r is, देखिए l by c r is impedance, and this l by c r here in parallel circuit is known as dynamic resistance। तो यहां पर आप कहेंगे ये जो l by c r है इसको हम क्या कहेंगे, एक नया term आ गया dynamic और ये डायनेमिक रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सिंपल आपको कुछ नेट इम्पीडेंस और ये कुछ नहीं पूछा जाता है, जो कुछ ट्रिकी टर्म्स होते हैं वही एग्जाम में पूछे जाते हैं या एग्जाम में मेंशन होते हैं। तो अगर किसी सर्किट में किसी क्वेश्चन में डायनेमिक रेजिस्टेंस गिवन है, इट मीन्स वो एल बाई सी आर गिवन है, और डायनेमिक रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ पैरेलल रेजोनेंस के केस में आता है, तो वहां से आप ये भी आइडेंटिफाई कर जाएंगे कि ये पैरेलल रेजोनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। अब सीरीज रेजोनेंस में क्या होता था कि वो एज एन एक्सेप्टर सर्किट बिहेव करता था, पैरेलल रेजोनेंस क्या है, एज ए रिजेक्टर सर्किट ये बिहेव करता है। सीरीज रेजोनेंस को हम वोल्टेज रेजोनेंट सर्किट भी बोलते थे, जबकि या फिर सीरीज रेजोनेंस को हम वोल्टेज रेजोनेंस बोलते थे, और यहां पैरेलल रेजोनेंस में हम इसको क्या कहेंगे, करंट रेजोनेंस, ठीक है, करंट रेजोनेंस। तो ये आपको दो टर्म याद रखने हैं, पैरेलल रेजोनेंस को हम करंट रेजोनेंस भी कहते हैं, और एल बाय सी आर इज अ डायनेमिक रेजिस्टेंस।
अभी डायनेमिक रेजिस्टेंस से एक कंक्लूजन और फाइंड आउट करते हैं. एल अपॉन सी आर, आर इज वेरी मिनिमम बिकॉज आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर. तो आर की वैल्यू बहुत ही कम है. जब आर की वैल्यू बहुत ही कम होगी तो जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है एल अपॉन सी आर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगी. सीरीज रेजोनेंस के केस में यही उल्टा था. वहां पर जो नेट इम्पीडेंस होता था जेड, वो क्या होता था, मिनिमम होता था, क्योंकि जेड इक्वल्स टू आर आता था. यहां पे जेड इक्वल्स टू एल अपॉन सी आर, दैट इज डायनेमिक रेजिस्टेंस. आर इज मिनिमम हियर बिकॉज दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर. तो डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बहुत ही हाई हो जाता है. और जब हाई हो जाएगा तो वो पार्ट एज ए बिहेव करेगा, मीन्स उसमें करंट क्या होगी, बहुत ही कम फ्लो करेगी. ठीक है, करंट उसमें बहुत कम फ्लो करेगी. नेट इम्पीडेंस की बात हम कर रहे हैं, तो एज ए ओपन सर्किट बिहेव करेगा वो. और वहां पर मिनिमम रेजिस्टेंस था इसलिए वो एज ए शॉर्ट सर्किट की तरफ टेंड कर रहा था. तो ये दोनों में फर्क है. तो इसलिए ये जब ओपन सर्किट की तरफ टेंड करेगा, इसका मतलब क्या है कि ये रिजेक्ट करेगा इसको, एज ए रिजेक्टर ये सर्किट यूज होता है. तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सीरीज रेजोनेंस को एक्सेप्टर सर्किट और पैरेलल रेजोनेंस को रिजेक्टर सर्किट. ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज पावर फैक्टर इज यूनिटी. दिस प्रॉपर्टी इज कॉमन इन बोथ द रेजोनेटिंग सर्किट, सीरीज और पैरेलल दोनों में सेम है. सेकेंड प्रॉपर्टी, सीरीज रेजोनेंट में हम क्या देखते थे कि जो उसका नेट इम्पीडेंस है वो रेजिस्टेंस के इक्वल होता था, मिनिमम होता था. बट यहां पर नेट इम्पीडेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा. तो नेट इम्पीडेंस मैक्सिमम होगा, इसका मतलब एडमिटेंस मिनिमम होगा. सेकेंड प्रॉपर्टी इज थर्ड प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी मीन्स जो भी हमने ऊपर डिफाइन या डिराइव किया है वही इसकी प्रॉपर्टीज हैं. तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यहां पर क्या होगी, ओके. फोर्थ प्रॉपर्टीज जो कि सेकंड के जस्ट रिवर्स होगा, एडमिटेंस मिनिमम है तो यहां पर इम्पीडेंस क्या होगा, मैक्सिमम. तो हम लिख सकते हैं कि नेट इम्पीडेंस एट रेजोनेंस इज मैक्सिमम. एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज करंट एट रेजोनेंस. हमने फाइंड आउट किया I इक्वल्स टू V अपॉन L बाई सी आर, वेयर L बाई सी आर इज द डायनेमिक रेजिस्टेंस. तो ये जो करंट एट रेजोनेंस है, इट इज इन फेज विद द सप्लाई वोल्टेज, राइट. तो दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी. और इसकी जो वैल्यू है एट रेजोनेंस, दैट विल बी मिनिमम. जबकि आप देखिए सीरीज रेजोनेंस के केस में इम्पीडेंस मिनिमम होता था, बट करंट क्या आती थी, मैक्सिमम आती थी. तो यहां पर जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे इसमें करंट मिनिमम है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड करंट रेजोनेंस सर्किट. पैरेलल रेजोनेंस के केस में हमने पैरेलल आरएलसी सर्किट ड्रॉ किया, उसका फेजर डायग्राम ड्रॉ किया, एंड बेस्ड ऑन दैट फेजर डायग्राम जो भी उसके रिएक्टिव कंपोनेंट्स थे उनको हमने इक्वेट किया, या फिर यूं कहें कि इमेजिनरी कंपोनेंट्स को जीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया. वहां से हमने रेजोनेंस की कंडीशन फाइंड आउट कर ली. रेजोनेंस की कंडीशन में
जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट वो हमने सॉल्व कर लिया, एंड बेस्ड ऑन दैट कंडीशन जो रेजोनेंट करंट है दैट इज मिनिमम एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज इक्वल टू वी अपॉन एल बाई सी आर, वेर एल बाई सी आर इज कॉल्ड द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। और ये टर्म जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं फिर से बता रहा हूं आपको। और इसके बेसिस पे हमने ये फाइंड आउट किया कि जो इसका इम्पीडेंस है, बिकॉज आर इज वेरी मिनिमम, आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉयल, तो आर मिनिमम है इसलिए जो इसका इम्पीडेंस होगा रेजोनेंस पे वो बहुत ही ज्यादा होगा, इसलिए इसमें बहुत ही कम करंट फ्लो करेगी, एंड दैट इज द कंडीशन विच इज कॉल्ड, मीन्स बेस्ड ऑन दिस कंडीशन दिस सर्किट इज कॉल्ड रिजेक्टर सर्किट, राइट। इसके आगे जो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस इम्पीडेंस और जो इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव ससेप्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।